अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है मिड टर्म के लिहाज से, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो सारे एमसीक्यूज करेंगे जो मिड टर्म के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, इस वीडियो में तकरीबन मैंने पूरा मिड टर्म का सिलेबस कवर किया है और जितने एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते थे मैंने यहाँ पे गैदर किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किए गए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं एमसीक्यूज़ को यहाँ पे लिखूँ, तो इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी मिड टर्म ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सब्जेक्टिव की, जैसा कि आपको पता है मेरे व्यूअर्स को, कि सब्जेक्टिव पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने हर टॉपिक को सिर्फ बताया नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिटेल में समझाया भी है कि इस टॉपिक को याद कैसे करना है, और जो सो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे उनको मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, ज़रूर वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम अपने ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखेंगे, और इसमें भी जब मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी तो मैं एमसीक्यूज में आपको जो है वो इनकी डिटेल भी समझाऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा तो मैं बताऊंगी कि ये इसका आंसर कैसे आया, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपका आ जाए तो आपको पता हो कि इसका जवाब आपने क्या करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब से याद आया कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, आपकी ये सपोर्ट, आपका यह प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, इन बाइनरी सिस्टम वी कैन यूज ओनली डैश एंड डैश एट ईच पोजिशन, कि बाइनरी सिस्टम में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं। तो आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज के सिर्फ दो ही अल्फाबेट हैं जिनको हम 0 और 1 कहते हैं। तो हमारी बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो वर्ड्स यूज होते हैं और वो हैं 0 और 1। नेक्स्ट है और ऑपरेटर इज आल्सो प्रेजेंटेड बाय डैश साइन, कि और ऑपरेटर जो है वो किस साइन के जरिए और प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि इसका साइन क्या है। तो इसका साइन जो है वो ना ही अल्फा जो है वो अल्फा है, और ना ही मल्टीप्लाई का साइन है, और ना ही ये ब्रैकेट का साइन है, बल्कि जो दरमियान में साइन है इस सिंगल लाइन वाला एक साइन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इससे जो है और ऑपरेटर को जो है वो किया जाता है प्रेजेंट। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं, नॉट ऑपरेटर हो गया, या फिर एक्सक्लूसिव और या नॉट, उनके भी आपने सिंबल जरूर देख लेने हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसलिए ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, यानी इन एमसीक्यू से आपको मजीद एमसीक्यूज भी जो आ सकते हैं उनका भी पता चलता रहेगा। नेक्स्ट है डीवीडी स्टैंड फॉर, अब ये जो मैंने एक एब्रीविएशन का यहाँ पे लिखा है, मैंने आगे भी एब्रीविएशन लिखी है इसमें जितनी हो सकती थी, लेकिन अगर कोई एब्रीविएशन रह गई हो तो आपने उस एब्रीविएशन को जरूर याद करना है, क्योंकि एब्रीविएशन का क्वेश्चन मस्ट होता है आपका। मे बी एब्रीविएशन का क्वेश्चन आपके जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाए, कि 2-3 लफ्ज लिखे हुए और आपको उनकी एब्रीविएशन लिखनी हो। ठीक है, और उसके अलावा एमसीक्यूज में तो आते ही हैं, इसलिए एब्रीविएशन मस्ट याद कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आप, इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे मैं एब्रीविएशन की एक लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी, वहां से आप सब स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, जिसमें मिड टर्म के सारे एब्रीविएशन होंगे, लेकिन मैंने एमसीक्यूज में यहाँ पे भी काफी ज्यादा एड ऑन किए हैं। तो डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले साथ साथ, यानी कि जैसे आप डिजिटल वर्जन डिस्क, बहुत साथ साथ के लफ्ज जो है वो यूज किए जाते हैं, तो बंदे की बहुत जल्दी गलती के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान से इनको याद करना है आपने। नेक्स्ट है विच डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज सुटेबल फॉर डाटा हैविंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू, कि सेम वैल्यू की अगर लॉन्ग सीक्वेंस हो तो उस डाटा को कंप्रेस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो उस डाटा को कंप्रेस करने के लिए टेक्निक यूज होती है वो रन लेंथ इनकोडिंग होती है, और अगर डिफरेंट किस्म का डाटा होता तो फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग होती। ठीक है, नेक्स्ट है एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेक्स्ट एब्रीविएशन ही था। और उसके बाद आगे है द प्रोसेस ऑफ डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली इज नोन एज, यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को जो है वो एलोकेट कर देते हैं टास्क, ताकि सारे प्रोसेसर्स जो है वो एफिशिएंटली काम कर सकें। इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग, यानी जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम मुख्तलिफ प्रोसेसर्स में टास्क एलोकेट कर देते हैं, ताकि सारे प्रोसेसर्स जो है वो एक ही स्पीड से काम कर सकें, तो इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग का ये जो है वो सिस्टम होता है। इसको लोड शेयरिंग नहीं, लोड बैलेंसिंग कहेंगे, ये याद रखिएगा। आगे इंटरनेट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क वेबसाइट एप्लीकेशन या कंप्यूटर, तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्क की टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की टाइप नहीं है। टू रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू,
टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, जीरो नहीं होता। नॉर्मली अगर हम डेसिमल में देखें तो ये जीरो होता, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में जब बाइनरी प्रेजेंटेशन हो रही है तो टू रेज टू पावर जीरो जो होता है वो वन के बराबर होता है। नेक्स्ट है डैश इज ट्रांसफर डाटा वन आफ्टर द अदर, यानी वो कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें डाटा एक के बाद दूसरा इस तरीके से जो है वो ट्रांसफर होता है, तो इसे कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। और अगर कहे कि एक साथ डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है दो तीन जगहों पे, तो वो होती है पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स यूज टू प्रेजेंट कॉमनली यूज एप्लीकेशन, यानी ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो एप्लीकेशन यूज होती है वो कौन सी है, तो वो GUI है। और GUI का जो है वो आपने एब्रीविएशन भी याद रखना है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो बेसिक जो होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं, इसलिए ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। एंड आपको बिल्कुल भी वर्ड होने की जरूरत नहीं है, इस फाइल में इस जो मैंने वीडियो बनाई है आपको जितने MCQs मिलेंगे सारे ही मैंने आंसर जो है वो इनको चेक किया हुआ है, 100% राइट ऑप्शन है। इसके अलावा भी मैं अगर ग्रुप वगैरह में कोई फाइल्स वगैरह शेयर करूँ तो फाइल्स जो मेरी बनाई हुई होंगी उनमें तो क्योंकि मैंने चेक किया होता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल्स शेयर होती हैं MCQs के लिहाज से, तो इसलिए पेपर से पहले जब आप उनको रीड कर रहे हो तो उनके आंसर जरूर चेक किया करें, बहुत सारी फाइल्स में गलत होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ इसी वीडियो से आप जो है तैयारी करें, अगर आप कोई और फाइल्स देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है वो आंसर आप जरूर देख लीजिएगा कि करेक्ट होने चाहिए, लेकिन इस फाइल में डोंट वरी आंसर 100% राइट है। आगे चलते हैं, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स नेमली, एक सीपीयू के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। नेक्स्ट है विच एक्सेस नोटेशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट जीरो एज 100, जीरो को जो है वो 100 के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए कौन सी एक्सेस नोटेशन यूज होती है, तो एक्सेस 4 नोटेशन है। नेक्स्ट है इन फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स द डेसिमल पॉइंट इज टर्म्ड एज, जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर होता है उसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है, जो इशारिया होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेडिक्स पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी सब्जेक्टिव की, उसमें हमारा रेडिक्स पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला एक पूरा क्वेश्चन है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पे, जिसमें हमने रेडिक्स पॉइंट को सेट करना सीखा था, तो वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के लिहाज से, आपके मिड टर्म के लिहाज से, इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, इन कंप्यूटर GUI स्टैंड्स फॉर, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको ऊपर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले इज कॉल्ड, कि यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क की जो सिस्टम होता है उसका रोटेशन डिले और उसके सीक टाइम के जो टोटल टाइम मिलता है, इसको कहा जाता है एक्सेस टाइम, यानी उसको जितना अपने इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है, वो दोनों के इन रोटेशन डिले भी उसमें मौजूद होता है और सीक टाइम। इसके अलावा आपने सीक टाइम और रोटेशन डिले की भी डेफिनेशन जरूर याद करनी है, ये डेफिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट है इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग, कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए और एक ऑर्गेनाइज वे में लिंक करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए जो यूज होता है वो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ही जो है वो हमारा डाटा जो है वो जिस तरह हमारी फाइल्स बनी होती हैं और कंप्यूटर के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है कि हाँ ये फाइल मैनेजर है, इसके अंदर फिलहाल फाइल्स हैं, यहाँ वीडियोज हैं, यहाँ ऑडियोज हैं, और जो हमारे बकायदा फोल्डर्स बने होते हैं, तो ये फोल्डर्स एक्चुअली डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बनते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉस लेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, कि डेटा कंप्रेस करने की ऐसी टेक्निक जो लॉस लेस होती है, यानी जिसमें आप कंप्रेशन करते हुए आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता, वो होती है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज एक्सेप्ट, कि कंप्यूटर को कोई जुबान और समझ नहीं आती सिवाय एक जुबान के, तो वो एक जुबान कौन सी है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, उसके अलावा कंप्यूटर को कोई भी जुबान समझ में नहीं आती। नेक्स्ट है सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो सर्च इंजन होते हैं हमारे लाइक गूगल हो गया, दूसरी सारी चीजें जो, इनमें हम क्या क्या चीजें सर्च कर सकते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन सर्च हो सकती है इनमें। ठीक है, तो क्या सिर्फ प्रोग्राम सर्च हो सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्च हो सकते हैं, सिर्फ जो है वो वर्ड फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट इमेज वीडियोज हर चीज सर्च हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स इमेज वीडियोस हर चीज सर्च हो सकती है, आपको भी चीज अच्छे से पता होगा कि हमें गूगल पे ये सारी चीजें मिल जाती हैं, हमें कोई इमेज सर्च करनी हो, हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, ठीक है, किसी किस्म का भी डाटा सर्च करना हो, तो हमें सर्च इंजन से मिल सकता है। आगे चलते हैं फीफो है। ठीक है, फीफो इज द एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
ये एक तरीका है प्रोसेस का कि जो पहले आप जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को पहले जो है उस पर प्रोसेस किया जाता है, और उसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो दूसरी इंस्ट्रक्शन ली जाती है। तो ये एक जो है वो ये भी एक टेक्निक है, और ये फीफो का एब्रीविएशन आपने याद रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डैश इनकोडिंग इज यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस, यानी कौन सी जो टेक्निक है वो यूज होती है कलरफुल इमेजेस को स्टोर करने के लिए, उसे कहते हैं आरजीबी। आरजीबी जो है रेड ग्रीन ब्लू, यानी इन तीनों की इनकोडिंग मिला के कलरफुल इमेजेस बनाई जाती हैं। अगला है द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरीज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसकी टू कैटेगरीज हैं, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद मजीद भी इनके आगे कैटेगरीज बनी हुई हैं। नेक्स्ट है वी नीड डैश मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली, यानी किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें कौन सी मेमोरी चाहिए होती है, हमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारी रैम होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें फिर हमने रैम और दूसरी जो सेकेंडरी मेमोरीज वगैरह हैं हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, यानी वो कौन सा जो पैटर्न है जिसमें 21 बिट्स जो है वो स्टोर करने का जो है वो प्रोग्रामिंग मौजूद है, वो है यूनिकोड। यूटीएफ में 24 से 32 तक होती हैं और आस्की में जो होती हैं वो 7 बिट्स होती हैं, इसलिए यूनिकोड में 21 होती हैं, ये याद रखिएगा तीनों का। और आंसी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने आस्की कोड बनाया था, ठीक है। उसके बाद है इफ बाइनरी नोटेशन ऑफ 8 इज 100, अगर बाइनरी नोटेशन 8 की 1000 हो तो फिर -8 की जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन क्या होगी, ठीक है। इस तरीके का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव आपको बाइनरी नोटेशन दी हुई हो और आपको 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन देखनी हो, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन का टेबल याद करें, और उसका याद करने का एक बहुत आसान ट्रिक और तरीका मैंने अपनी सब्जेक्टिव की वीडियो में बताया था, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे भी, कि आपके पास पॉजिटिव की जो बाइनरी वैल्यू होगी आपने उसे देखना है, और उसमें आपने लेफ्ट साइड राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से आपने तब तक उसे एज इट इज लिखते जाना है जब तक आपका फर्स्ट वन ना आ जाए। फर्स्ट वन जैसे ही आपका आएगा उसके बाद यानी उससे लेके आपने क्या करना है उसको ऑपोजिट करना शुरू कर देना है, अगर वन है तो 0 0 है तो 1 करना शुरू कर देंगे। इस टेक्निक से आप जो पॉजिटिव वैल्यू होगी बाइनरी नोटेशन की उसका 2's कॉम्प्लीमेंट माइनस में निकाल सकते हैं, जैसे आप ये 1000 है तो 1000 में 0's जब तक चल रहे थे हमने 0's लिखे, और 1 जैसे ही हमारा आया तो उसके बाद हमने उसको ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, ठीक है, 1 को हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये जो 4 0's हैं ये हमारा आंसर होगा -8 का। इस तरीके से जितने भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए MCQs में तो आप उसको इस टेक्निक से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2's कॉम्प्लीमेंट का जो टेबल है वो भी याद कर सकते हैं, और उसकी ट्रिक मेरी सब्जेक्टिव की वीडियो में मौजूद है, वो भी एक आसान तरीका है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है इन एक्सेस नोटेशन 0 इज प्रेजेंटेड एज, एक्सेस नोटेशन में 0 को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, 0 को प्रेजेंट करने के लिए हमारी 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है और बाकी सारी 0 होती हैं। नेक्स्ट है UTF-8 यूजेस डैश 2 डैश बिट्स, ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे यूनिकोड में 21 बिट्स यूज होती हैं, लेकिन हमारे UTF में 24 to 32 बिट्स का जो है वो कोडिंग हो सकती है, और यही आजकल यूज हो रही है कि हमारे आजकल के कंप्यूटर्स 32 बिट्स तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईच टेक्सचुअल सिंबल इज प्रेजेंटेड विद अ डैश पैटर्न, कि हर टेक्सचुअल सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न यूनिक होता है, यानी किसी दूसरे पैटर्न के साथ मैच नहीं कर रहा होता, हर टेक्सचुअल सिंबल का जो ए का है वो बी का नहीं है, जो बी का है वो सी का नहीं है, इवन हमारा टेक्स्ट हो गया जो मतलब अल्फाबेट्स हैं उसके बाद नंबर्स हैं, हर चीज के लिए हर टेक्सचुअल सिंबल के लिए एक यूनिक बिट पैटर्न होता है जो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ सी डी इज ऑफ डैश के बी, कि जो कैपेसिटी है सी डी के एक सेक्टर की वो कितनी होती है, तो 2 KB होती है, ठीक है, और इसका जो होता है डायमीटर वो 12 होता है, ये याद रखिएगा, ये दो चीजें जो है सी डी के बारे में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्लेस द बिट इन द हॉट ऑफ द होल ऑफ द लेफ्ट, हॉट नहीं है यहाँ पे, होल ऑफ द लेफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, होल एट द लेफ्ट एंड इफ इट फेल ऑफ द राइट एंड, यानी कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं कि हमारी जो लेफ्ट साइड पे जो बिट होती है लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड पे जो है हम शिफ्ट करते रहे यहाँ ताकि 8वीं शिफ्ट के पास वो एज इट इज आ जाए, तो उसको कहते हैं सर्कुलर शिफ्ट या फिर रोटेशनल शिफ्ट। नेक्स्ट इंटरनेट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, ये रिपीट हो गया हमारा, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि इंटरनेट नेटवर्क की टाइप है, किसी कंप्यूटर वेबसाइट या एप्लीकेशन की नहीं है। एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द मशीन इंस्ट्रक्शन,
जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करता है, जो अब लोडेड हुई है, जो ट्रांसफर होने लगी है, जो स्टार्ट हो गई है, जो एग्जीक्यूटेड होने लगी है। ठीक है, तो जो अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा रजिस्टर होता है, जो स्पेशल रजिस्टर होता है, उसमें नेक्स्ट जो हमारी लोड होगी उसका जो है एड्रेस होता है। नेक्स्ट है वन बिट कैन ओनली डैश वैल्यू, कि एक बिट के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकते हैं। तो एक बिट सिर्फ एक ही वैल्यू को कंटेन करती है, या जीरो होगा या वन होगा। डैश इज शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट, अ स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या एक तो ये कि जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट वर्जन क्या है, तो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट वर्जन है बिट। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बाइनरी डिजिट्स में कौन सा है डाटा को स्टोर करने के लिए, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब भी आपको पता होना चाहिए कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन, कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस वर्ड भी जिसे हम जो है वो बोलते हैं, ये एप्लीकेशन किस लिए यूज होती है। ठीक है, बिल्ड एडिटेबल प्रोग्राम, एडिटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए, एक्सेल फाइल्स बनाने के लिए, एडिटेबल क्वेश्चंस बनाने के लिए, या फिर वर्ड एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो आपको भी ये चीज अच्छे से पता है क्योंकि आप भी अपने असाइनमेंट्स, पीडीबीज वगैरह एमएस वर्ड पे ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज होती है, कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जिनमें एडिटिंग वगैरह की जा सकती है। तो ये एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज होती है एमएस वर्ड। ऑन सोशल मीडिया सम टाइम्स अ डैश पर्टिकुलर डैश इज वेरी पॉपुलर, कि सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, हैशटैग। हैशटैग आपको पता होगा कि हैशटैग आजकल बहुत मतलब जो है पॉपुलर हुए हुए हैं, कि मतलब फलां वीडियो आप मतलब अक्सर देख रहे होते हैं कि वो वीडियोस फलां पे हैशटैग किया गया, सब हैशटैग कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉपुलर चीज है सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी, यानी कि कंट्रोलर की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है उसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं DMA, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस एब्रीविएशन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कौन सी चीज है जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसको ट्रैक को जो है मतलब स्मूथली रखता है, उसके ट्रैक को हर चीज सही हो रही हो उसका ख्याल रखता है। तो वो हमारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो जो ट्रैक को जो है वो स्मूथली रन करते हैं। नेक्स्ट है सीडी स्टैंड फॉर, सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में मस्ट आते हैं, इसलिए एब्रीविएशन जरूर याद कीजिएगा। मैंने इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि जितने एब्रीविएशन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकती थी उनको करूँ। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या मेमोरी बफर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है। एंड बाय मिस्टेक ये ऊपर वाला मुझसे छूट गया, ये देखें। अब ये क्वेश्चन ऊपर और तरीके से आया हुआ था, नीचे और तरीके से आया हुआ है कि विच एबिलिटी ऑफ कंट्रोलर इज नन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऊपर क्वेश्चन था कि वो मेन मेमोरी तक एक्सेस करने की कंट्रोलर की एबिलिटी को क्या कहते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डीएमए कर क्या कर सकता है। तो डीएमए क्या कर सकता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये मेमोरी को एक्सेस करने की एबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, यानी कि दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर फिलोसफी विद विच आर सीपीयू डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, कि वो आर्किटेक्चर फिलोसफी सीपीयू की जो डिजाइन किया गया है कि मिनिमल जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको रिस्क कहते हैं, और जो ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए है वो सिस्क है। और आपको पता है कि दो किस्म की सिर्फ फिलोसफीज हैं सीपीयू के बारे में, यानी दो तरीके से जो है वो सीपीयू बनाया गया, एक सिस्क है और एक रिस्क है। नेक्स्ट है इन टू बिट बाइनरी एडिशन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगर हमारे पास दो बिट्स हो उनकी एडिशन करनी हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो चार पॉसिबिलिटीज हैं, यानी को जीरो में प्लस कर लो, वन को वन में प्लस कर लो, वन को जीरो में कर लो, या जीरो को वन में कर लो। तो चार पॉसिबिलिटीज हैं जब हमारे पास टू बिट्स बाइनरी एडिशन होती है। तो नेक्स्ट है रिस्क इज एन एक्रोनिम ऑफ, रिस्क इज एन एक्रोनिम ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। हेक्साडेसिमल नोटेशन यूजेस अ डैश सिंबल टू प्रेजेंट द पैटर्न ऑफ फोर बिट्स, यानी फोर बिट्स को प्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल में नोटेशन में कितने जो है वो सिंबल यूज होते हैं, तो एक सिंबल यूज होता है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में हर चार बिट्स के लिए एक सिंगल जो है वो वर्ड यूज होता है, जिसके तरीके से ये हेक्साडेसिमल नोटेशन बनाई जाती है। टू स्टोर एन इमेज इन द मेमोरी ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म डैश, कि जब हमें एक इमेज को स्टोर करना होता है तो हम हर पिक्सल को इनकोड करने के बाद क्या बना रहे होते हैं, तो हम एक बिट मैप बनाते हैं। बिट मैप बनाने के बाद बिट मैप में हर एक पिक्सल जो है वो पिक्सल जो है वो बिट्स से बनता है, और इन बिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, बिट मैप। बिट मैप कंप्लीट होता है तो हमारी एक इमेज मेमोरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इम्प्लीमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं,
टाइम शेयरिंग की जाती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या होती है कि एक ही बंदा बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, लेकिन टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमने टास्क को सब डिवाइड किया होता है ताकि टाइम शेयर किया जा सके, ताकि वो काम जो है वो जल्दी हो सके। तो टाइम शेयरिंग की टेक्निक है ये मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है, व्हाट डज मीडी स्टैंड फॉर? मीडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डैश टैग गिव्स यू रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट, यानी किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्म जो है वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप कौन सा टैग यूज करते हैं, तो वो रिलेटेड का टैग है। जब आप रिलेटेड का टैग रिलेटेड लिख के आगे वो जिस जिस भी वेबसाइट के बारे में आप ढूंढना चाह रहे हैं, अगर आप लिखेंगे लाइक यूट्यूब, लाइक गूगल, कुछ भी, ठीक है, तो आपको उसके रिलेटेड वेबसाइट यानी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ये किस लिए वेबसाइट बनाई गई है। नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो कंसिडर अ करेक्टर। तो स्पेस यानी बाकी तो हमें पता है कि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, इसके बाद सिंबल्स हैं, ये सारे तो करेक्टर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन स्पेस भी हमारी जो है वो बाइनरी में या जो हमारी कंप्यूटर की जुबान है उसमें एक करेक्टर जो है वो कंसिडर की जाती है। अगर हमने स्पेस भी देनी हो तो वो भी एक करेक्टर है। डैश इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 16-बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में सबसे जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है वो कौन सा है, 16-बिट नोटेशन में हमसे पूछा गया है, तो वो है -32768। इसको आप टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में जो है वो करके भी देख सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका प्रोसेस करने लग जाऊंगी तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, और मेरा मकसद आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज देना है ताकि पेपर मेन में से कोई भी आ जाए तो आपके लिए ईजी हो जाए, इसलिए हम आगे चलेंगे। इसको आप जो है वो अपनी बुक में भी देख सकते हैं, अपने टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के टेबल में, यानी उसमें, क्योंकि कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल से भी देख सकते हैं कि 16-बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन का लीस्ट जो नेगेटिव नंबर है वो क्या होगा, तब भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्लेस द बिट इन द होल एट द लेफ्ट एंड इट फेल ऑफ द राइट एंड। तो हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि इसको रोटेशनल या सर्कुलर शिफ्ट कहा जाता है। इन मेमोरी ईच सेल हैज यूनिक नेम कॉल्ड इट्स डैश, यानी कि जब मेमोरी में हम कोई चीज स्टोर करते हैं तो वो क्योंकि सेल्स में स्टोर होती है तो हर सेल का एक अपना यूनिक नेम होता है जो क्या कहलाता है, उस सेल का एड्रेस कहलाता है। ठीक है, इसमें भी हमारी जो हमने इसका, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट में था तो वहां पे मैंने ये चीज समझाई थी कि जो मेमोरी सेल होते हैं, सेल के ऊपर जो उनके नेम लिखे होते हैं वो उनके एड्रेस होते हैं, सेल मतलब C1, C2, C3, इस तरीके से उनके एड्रेस नेम लिखे होते हैं। किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये आपने टेबल जो इसके रिलेटेड होता है कि किलोबाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं, उसके अलावा गीगाबाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं, मेगाबाइट्स में, किलोबाइट्स में, ये आपने पूरा टेबल याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ, कि 1 किलोबाइट के अंदर कितनी जो है वो बाइट्स होती है, तो 1024 बाइट्स होती है तब 1 किलोबाइट बनता है। लेकिन इस तरीके से आपने इस पूरे टेबल को भी याद रखना है कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट से बनती है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट से बनती है। ठीक है, तो ये आपने पूरा याद करना है, एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में जो है वो प्राइमरी कलर्स 3 यूज होते हैं, तो इन चारों में से कौन सा कलर है जो हमारा प्राइमरी कलर नहीं है। तो आपको पता है कि कलरफुल इमेजेस के लिए जो हम इनकोडिंग यूज करते हैं वो RGB है। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो येलो हमारे प्राइमरी कलर्स में से नहीं है, ये RGB से ही मजीद हमारे सारे कलर्स बनते हैं कि हमारे कंप्यूटर में आज जितने भी कलरफुल इमेजेस बनती हैं उनके जो बेसिक या प्राइमरी कलर है वो सिर्फ 3 है, रेड, ग्रीन और ब्लू। उनसे ही आगे हमारे सेकेंडरी सारे कलर्स बनते हैं, तो येलो हमारा प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंप्रेस ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो ऑडियो और वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं, तो ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। एमपेग भी है, एमपेग मोस्टली वीडियोस के लिए यूज होती है, MP3 ऑडियो के लिए यूज होता है, MP4 भी इन दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CPU आर्किटेक्चर आर, 2 किस्म के हैं, एक सिस्क और एक रिस्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज कंसिडर्ड एज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट किसे कहा जाता है, वैसे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, यूजर इंटरफेस और कर्नल। और कर्नल कोर पार्ट किसको कहते हैं, कर्नल को कहा जाता है, क्योंकि कर्नल ने जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल में करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट टेल द यूजर दैट अवेलेबल मेमोरी इज लेस देन द रिक्वायर्ड, यानी कौन सा सिस्टम है जो बताता है अपने यूजर को कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए जो अवेलेबल मेमोरी है वो कम है, यानी जितनी रिक्वायर्ड है इतनी नहीं है। तो ये भी काम जो है वो कर्नल के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे पेजिंग कहते हैं,
तो पेजिंग वो टेक्निक है या पेजिंग वो कंसेप्ट है जो यूजर को बताता है कि आपका जितनी आपको रिक्वायर्ड है मेमोरी इतनी इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड, यानी वो कौन सा सिस्टम है जो जो मतलब जियोग्राफिकल एरिया या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मुहैया करता है, तो वो है वान। ठीक है, वान वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपने इनके एब्रीविएशंस भी याद करने हैं, और इसके अलावा आपने ये भी याद करना है कि लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या ये सारे ये कितने रेंज मुहैया करते हैं। ठीक है, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन आपने इससे रिलेटेड यानी चारों के बारे में ये पढ़ना है, आपने ये याद रखना है कि किस जो सिस्टम की कितनी रेंज है, कौन किस रेंज तक जो है वो हमें कनेक्शन मुहैया करता है। हमने यहाँ पे सिर्फ वन का पढ़ा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेस, यानी प्रोसेस की अगर तारीफ की जाए तो क्या होता है। प्रोसेस इज द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, यानी कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको कहते हैं कि वो अंडर प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिटरमिन द नंबर ऑफ बिट्स टू मूव रेडिक्स पॉइंट टू इधर लेफ्ट और राइट, यानी किस चीज के जरिए जो है वो हम अपने रेडिक्स पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। तो आपको पता है वो हमारी एक्सपोनेंट फील्ड है, और हमने इसको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में बहुत अच्छे से समझा था कि एक्सपोनेंट फील्ड में जो हमारा आंसर आता है उसी के जरिए हमें पता चलता है कि हमारा जो रेडिक्स पॉइंट है वो लेफ्ट या राइट मूव होगा या कितने नंबर्स के बाद मूव होगा। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द टास्क इनटू द नंबर ऑफ सब टास्क कंपेटिबल विद द नंबर ऑफ अवेलेबल इज कॉल्ड, कि हमारे जो टास्क होता है उसको सब टास्क में डिवाइड करने की जो टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, तो इसको स्केलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज द मॉलवेयर विच गैदर्स डाटा अबाउट योर एक्टिविटीज ऑन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू ओवर आउटसाइड पार्टी विदाउट योर कंसेंट, कि यानी वो कौन सा मॉलवेयर है जो आपके डाटा को आपकी एक्टिविटीज के सारे डाटा को इकट्ठा करता है आपके सिस्टम से और फिर आउटसाइड पार्टी जिसने यानी कि वो आपके कंप्यूटर में सेट किया है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपको पता चलाए बगैर, तो ये स्पाईवेयर होता है। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ जो हमारे सिक्योरिटी अटैक्स हैं लाइक वायरस ट्रोजन हॉर्स वर्म्स, इनकी भी आपने डेफिनेशन जरूर याद करनी है। ये डेफिनेशन इस तरीके से एमसीक्यूज की सूरत में आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग विद वोकैबुलरी वर्ड्स एंड देन गिविंग स्टूडेंट्स अ रीडिंग पैसेज इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच, इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, कि यानी कि वोकैबुलरी वर्ड से शुरू करना, कि यानी वोकैबुलरी लिहाज से आप पहले यानी कि लिस्ट को, ये एल्गोरिथम में से सवाल आया हुआ है कि एल्गोरिथम में जिस तरह के आपके पहले वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो उनके हिसाब से आप उनको सेट कर लें और उसके बाद फिर आप रीडिंग पैसेज सब स्टूडेंट्स को दें, तो इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। मोस्ट डैश कोड्स यूज टूडे हफमैन कोड्स, यानी कौन सी जो हमारी टेक्निक है जो मतलब डेटा कंप्रेसिंग टेक्निक है जो हफमैन कोड्स यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स जो हैं वो हफमैन कोड्स यूज करते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट कंप्यूटर साइंस हैव इंपैक्ट्स, यानी एनवायरनमेंट के लिहाज से कंप्यूटर साइंस के इंपैक्ट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, डेंजरस हैं या बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो कंप्यूटर साइंस के इंपैक्ट्स एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज आल्सो नन एज, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो बारे में हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और लास्ट है आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि वो सारे राइट्स जिनके जरिए हमें हमारे जो डाटा को कोई दूसरा जो है वो जो, मतलब अगर इलीगली उस तक एक्सेस की कोशिश करता है तो ये वो राइट्स हैं, यानी ये वो लॉ है हमारा जिसके जरिए हम कहते हैं कि उस सामने वाले को सजा हो सकती है या उसने ये काम इलीगल किया है, तो ये आईपीआर है। ठीक है, तो ये थे मेरे एमसीक्यूज, आई होप जो है वो आपको ये समझ आ गए होंगे और इससे रिलेटेड भी जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताया कि यानी इस एमसीक्यू से मजीद कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, ताकि इनसे ये सारे एमसीक्यूज और जितने मैंने रिलेटेड आपको बताया अगर आप इनको स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सब्जेक्टिव के ऊपर एक बहुत जो है वो डिटेल वीडियो बनाई है, 2 घंटे के अंदर आपके वो सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे जो आपके पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप जो है वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा मेरा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मैं आपको जो है वो मजीद गाइड करती रहूँगी पेपर्स के लिहाज से। नेक्स्ट ऐसी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे दे इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।